प्यारे साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो दिसंबर का पेमेंट है वो आज आएगा या कल आएगा, ठीक है ना। और जो आपके कमेंट्स आए थे उसके मैं आपको इस वीडियो में जवाब दे देता हूँ कि आपने जो जो पूछा है कि हमारा पेमेंट कब आएगा, हमारा फॉर्म कब अपलोड होगा, ठीक है ना। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथियों, आज अपडेट आ चुकी है दिसंबर माह के पेमेंट की, ठीक है ना। ये आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वह घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आप तक सारी जानकारी पहुँचती रहे। देखो साथियों, पहले मैं आपके जवाब दे देता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि कल किसका पेमेंट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आज किसी का पेमेंट नहीं होगा। देखो भाई, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बसंती कटारा जी का है, मेरा फॉर्म 11 मई 2020 को वेरीफाई हुआ है, तो आपका फॉर्म ऐसा है, देखो मई के लास्ट में आपका अप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद शुभम गर्ग जी का है, हनुमानगढ़ का भत्ता आएगा। हाँ भाई, हनुमानगढ़ का देखो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पेमेंट आना शुरू होगा। अब देखते हैं नोटिफिकेशन इंटर्नशिप का कब जारी होता है, 1 अप्रैल को होता है या 1 अप्रैल के कुछ दिन बाद होता है, ठीक है ना। और उसके बाद ही संभव हो पाएगा। इसके बाद है सुनीता तलोर जी का, जनवरी का कब, देखो जनवरी का जिनका भी है वो सभी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही डेट निर्धारित की जाएगी, तभी आपका पेमेंट आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन काजोद मीणा जी का है, जयपुर का दिसंबर का भत्ता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो कल से पेमेंट डलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कल किस जिले का आएगा ये जानकारी आपको वीडियो के अंत में दी जाएगी, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़कर जाने का प्रयास मत करना। देखो अधूरी जानकारी आपको नुकसानदायक साबित हो सकती है ना, तो इसलिए पूरी जानकारी को सुनने का प्रयास करें, तो उस वीडियो को पूरा देखना। अगला क्वेश्चन है मनीषा यादव जी का, क्वेश्चन है सर जयपुर का कब आएगा दिसंबर का। हाँ भाई, देखो मैं आपको इसकी सारी जानकारी बिल्कुल वीडियो के अंत में दे रहा हूँ, ठीक है ना। कल से पेमेंट डलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कल किसका आएगा ये भी आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फनी जॉक्स का, जनवरी का कब आएगा। देखो मैंने आपको बता दिया है इंटर्नशिप नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट कब जारी करता है, उसके बाद ये संभव हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद है रूप राम दीपान रूपण, ठीक है भाई। जोधपुर का जनवरी का पेमेंट कब तक आएगा। देखो ये पेमेंट है, यदि आपका बिल पास हो चुका है तो जल्दी होगा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही संभव होगा। अगला विश्व जीत का है, सर गंगानगर का नहीं बना बिल बताएं। देखो अभी काफ़ी जिलों का नहीं बना है, तो आप इंतज़ार करें नोटिफिकेशन का, आपका बिल बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है पूजा चौधरी जी का, सर संस्कृत के लिए प्रैक्टिस बुक। देखो संस्कृत के लिए मैं आपको ज़्यादा तो खैर नहीं बताऊंगा, जो मैंने पढ़ी थी मैंने तो देख तो क्या है, जो सिकवाल के प्रैक्टिस सेट आते हैं वो सबसे बेस्ट हैं, ठीक है मेरे हिसाब से। और जो वर्तमान में आ रही है वो भाई कौन सी है, सरस्वती संस्कृत के नाम से आ रही है बुक, ठीक है ना, वो भी बेस्ट बुक है। यदि आप लक्स लेना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। जिसकी लैंग्वेज आप अच्छी लगे वो बुक आप परचेस कर लेना, उसे प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद परवीन बगोरा जी का है, सर मेरे सितंबर 2020 को वेरीफाई हुआ है, तो भाई आपको कम से कम अगस्त तक का इंतज़ार करना होगा, इससे पहले आपका फॉर्म अप्रूव नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन लोकेश अबल जी का, जयपुर का नवंबर एंड दिसंबर का। देखो आपका नवंबर का नहीं आया है ना, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आपको रोजगार कार्यालय जाएं, जो आपका बिल है वो ट्रेजरी विभाग के पास नहीं भेजा गया, ठीक है ना। उसका कुछ भी कारण हो सकता है तो आप वहाँ पर जाएं, तो आपकी समस्या का 101% समाधान होगा। अगला क्वेश्चन है सचिन चौरसिया का, झलवाड़ का कब आएगा जनवरी फरवरी का। देखो आपको अभी नोटिफिकेशन जारी होने तक इंतज़ार करना होगा, ठीक है ना। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, जनवरी का पेमेंट आने की कोई भी संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन टेक्निकल डॉन का, योर गुड नॉलेज, थैंक यू भाई, थैंक यू। एलआर चौहान, फरवरी में फॉर्म भरा है, उदयपुर से हूँ, कब आएगा। भाई कौन सी फरवरी भाई, यदि आपने 2000 फरवरी भरा है ना 20, तो आपका अप्रूव हो जाएगा। ये 2021 में भरा है तो आपका फॉर्म जाके दिसंबर के लगभग आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, ये आपके सभी कमेंट्स के जवाब थे, ये मैं आपको पेमेंट की जानकारी दे देता हूँ कल के ज़िले का आएगा। देखो 4 जिले हैं, जयपुर,
दौसा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, है ना, इन चार ज़िलों के पेमेंट अभी दिसंबर माह के बहुत कम आए हैं। तो जिनका पेमेंट नहीं आया है उनमें से इन चारों में से एक ज़िले या दो ज़िले का पेमेंट आ सकता है। देखो 21 से 22 से लेकर 26 तक जो पेमेंट आया था वो एक एक ज़िले का ही जारी हुआ है, तो अपन कह सकते हैं कि वही में से एक ज़िले का किसी का भी आ सकता है, ठीक है ना। तो कल तक का आप इंतज़ार करें, आपको निश्चित रूप से खुशखबरी मिलेगी दिसंबर माह के पेमेंट की, ठीक है। ये आपको कन्फर्म बता दिया जाएगा सुबह ही किसका पेमेंट जारी होगा, ठीक है। चैनल पर आप बने रहें, नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वह घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप तक तो सारी जानकारी व अपडेट पहुंचती रहे। धन्यवाद।